नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर नगर निगम मनमानी कर रहा है। राणा प्रताप मार्ग में वेंडिंग जोन में सभी पेड़ पौधे विक्रेताओं को नगर निगम ने दुकान हटाने की धमकी दी है। 35 सालों से फुटपाथ पर ही अपनी दुकान लगा रहे हैं, जिसे 150 परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी कार्य चलने पर फुटपाथ दुकानदारों को अपनी दुकान हटानी पड़ी। स्मार्ट कार्य चल रहा था, उसको देखते हुए विक्रेतागण 2 सालों से नगर निगम के खाते में जो पैसे हैं वो भी नहीं जमा कर पाए थे, जो पैसा उन्हें नहीं मिला है। सभी फुटपाथ व्यापारी नगर निगम के खाते में बकाया राशि जमा करने जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप सभी दुकानदार फुटपाथ खाली कर दें, वरना फिर आगे वो खुद से इस पूरे फुटपाथ को खाली करा देंगे। कानपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई थी। बड़ी बैठक में जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनको पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी किए थे, जो हालांकि जो पटरी के दुकानदार हैं उनको किसी भी प्रकार की शासन द्वारा कोई भी परेशानी ना हो, किसी को भी दुकानदार को ना हटाया जाए। हालांकि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के राणा प्रताप के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नज़ारा, ये व्यापारी जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो व्यापारी का पूरा तरीके से ये आरोप है कि जो प्रशासन इनको पूरी तरीके से हटा जा रहा है। हालांकि इन लोग का साफ तौर पर ये कहना है, जो ये लोग कम से कम 30 से 35 साल से लेकर यहाँ पे दुकानदार लगा रहे हैं, पटरी दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करेंगे इनकी आखिर क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? ये आशीष अध्यक्ष। हमारे अध्यक्ष में आशीष कुमार लोधी हमारा नाम है। हम लोग यहाँ पे भैया करीब 30 से 35 साल पुरानी दुकान है हम लोगों की, और ये हम लोग बिल्डिंग जोन बना हुआ है नगर निगम तरफ से, ये पूरी दुकानें लग रही हैं। अब ये पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आप लोग यहाँ से दुकानें हटा ले जाइए। हम लोग 30 35 साल से, इसके अलावा कोई दूसरा कोई बिजनेस नहीं, हम लोग सारा व्यापार यहीं से। अभी स्मार्ट सिटी के दौरान में 2 साल से हम लोगों ने इधर उधर होता रहा, तो इससे हमने करीब 500 मरते दुकानें हम लोगों की हटी यहाँ पे, तो इस कारण नगर निगम का 2 साल से पैसा हम लोगों ने नहीं जमा कर पाया है। इस कारण जो है हम लोग आपदा का समय आ गया, और कोई चारा नहीं इसके अलावा। साजापुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 अपराधी सत्यशील को इटौरा जूनियर हाईस्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी बंदूक, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि अभियुक्त के ऊपर अन्य जनपदों सहित कई थानों पर लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना दक्षिणी शहरामऊ को सूचना प्राप्त हुई, थाने टांड ट्रैक अपराधी सत्यशील जो है एक अवैध 12 बोर बंदूक के साथ क्षेत्र घूम रहा है और कोई वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और थाने क्षेत्र के इटौरा जूनियर हाईस्कूल के पास पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास एक 12 बोर बंदूक, 12 बोर 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस प्राप्त हुए हैं। ये बहुत सक्रिय और रुझान अपराधी है, इसके खिलाफ 20 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से 1 हरदोई का है। इसके खिलाफ 302, 307, 360 आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करके समुचित धाराओं में विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसको अपराधी को जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हाथ से हाथ जोड़ू कार्यक्रम आज वीरेंद्र प्रताप नारायण पांडे के नेतृत्व में बस्ती के 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया में तहसील मुख्यालय से शुरू होकर राजघाट बाजार होते हुए नगर पंचायत हरैया के रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी रहे। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हरैया बाजार में हाथ से हाथ जोड़ू कार्यक्रम को लेकर हजारों कांग्रेसियों ने तहसील मुख्यालय से लेकर हरैया बाजार तक हाथ जोड़ते हुए दुकानदारों, राहगीरों, स्थानीय निवासियों से कांग्रेस की नीतियों को बताकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील की, साथ ही साथ अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में पर्चा भी वितरित किया। ये तो पार्टी में हमारे भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद लगातार हमारे जो राजनीतिक दल के हमारे नेता हमारे पार्टी के, उन्होंने हर जगहों पे कार्यक्रम रखा। तो यहाँ पे हरैया में बबलू पांडे जी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में आज सरैया में एक कार्यक्रम किया था, जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी। आगामी देखिए, सरकार अपने मूल एजेंडे से भटक गई है, भटकने के पीछे कारण जो हम लोग रैली निकाले हैं हमारे माननीय राहुल गांधी
और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर पार्क में एक शक्त विशक्त शव मिलने से या शव के टुकड़े मिलने से ये पूरा मामला सनसनीखेज हुआ था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं ब्रजेश पाठक ने सीएमओ फर्रुखाबाद से 14 से 23 मार्च तक मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी फुटेज सहित कई मुद्दों पर जांच पुलिस कर रही है। शहर क्षेत्र के आवास विकास स्थित पार्क का ही पूरा मामला। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुझाव दिया है कि अपने सलाहकार ऐसे ही बनाए रखें तो भाजपा को उनका विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सर्किट हाउस में शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान आलू सरकार गिरवाएगा के जवाब में कहा है कि कभी प्याज तो कभी आलू की बातें बहुत समय से होती आ रही हैं। हमारी सरकार की एक खासियत है कि उन्होंने सरकार का भरोसा जीता है। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता ने दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अन्यथा पुरानी सरकारों में व्यापारी किसी भी समिति में जाने से डरते थे। आज उत्तर प्रदेश समिति में निवेशकों की संख्या देख कर लोग दांत तले उंगली दबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की रावण रूपी सरकारें राम रूपी सरकारें आने के बाद खुद शांत होती जा रही हैं। उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निषाद समाज का काफी शुभचिंतक बताया। जालौन में मत्स्य विभाग में मछुआरे समाज को लाभ न मिलने से मंत्री नाराज हैं। जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निषाद बोले हैं कि पिछली सरकारों ने ओबीसी को लाभ नहीं दिया। योगी सरकार ओबीसी के साथ है। पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से कोर्ट ने आयोग बनाने का आदेश दिया था। ओबीसी आयोग के सदस्यों के द्वारा जूते उतारकर योगी जी से मिलने के जवाब में ये मंत्री बोले हैं। यह आस्था और स्वेच्छा का विषय है और बाबा जी हमारे पूजनीय महाराज हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 70 साल तक लोकसभा में किसी को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार ने हमेशा सबको चुप करा के रखा है। भाजपा सरकार में सबको बोलने का सम्मान अधिकार है। और एक दिवसीय दौरे पर डॉक्टर संजय निषाद जालौन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। झांसी के कस्बा समथर में महाराज समथर श्रीमंत रणजीत सिंह जुदेव का होली के दिन आकस्मिक निधन हो जाने से क्षेत्र में शोक की लहर है। तो वहीं महाराज समथर के सरल एवं मधुभाषी स्वभाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता समथर स्थित किले में उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करने पहुंचे। जिस सिलसिले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शोक व्यक्त करने पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला लगभग 3.5 घंटे रुकने के बाद वापस रवाना हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महाराज समथर के बारे में बात करते हुए भावुक हो गई। हरदोई के टणियावा थाना इलाके में 18 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस मामले में एक युवक को आलाकत्व के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना का खुलासा स्वाट एसओजी सर्विलांस और टणिया पुलिस टीम द्वारा किया गया। घटनाक्रम के अनुसार आरोपी की पत्नी से मृतक के अवैध संबंधों के चलते उसने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौत को सुनिश्चित करने के लिए लकड़ी के टुकड़े से उस पर प्रहार कर दिया। सहारनपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना मंडी के मंडी समिति रोड पर अब्दुल कलाम का
कबाड़ी का गोदाम था। शुक्रवार की देर शाम को गोदाम से धुआं निकलने लगा। लोगों ने धुआं देखा और उसके बाद आग की लिपटें दिखाई देने लगी। धीरे धीरे गोदाम के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी तरह से बमुश्किल आग को बुझाया गया है। वहीं सहारनपुर में आज दो टेंट व्यापारियों ने व्यापारियों के साथ पहुंचकर एसपी सिटी को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और सामान के बरामद करवाने की गुहार लगाई है। हकीकत नगर क्षेत्र स्थित खुजीरा टेंट के स्वामी गौरव सुखीजा और अन्य टेंट के मालिक आनंद मेहता ने व्यापारियों के साथ पहुंचकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक को एक प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी सिटी को दिए गए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गौरव सुखीजा और आनंद मेहता ने आरोप लगाते हुए बताया कि गिल कॉलोनी के निकट स्थित पन्ना बाई धर्मशाला का कर्मचारी सुनील त्यागी लगातार तमाम सामान टेंट का लेकर फरार हो गया है। उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। सर ऐसा है, हम हकीकत नगर में हमारी दुकान है टेंट हाउस और एक हमारी दुकान है और आनंद टेंट हाउस हमारे पड़ोसी की ही है। तो एक व्यक्ति सुनील त्यागी जो नारायणपुरी मंदिर में एक कर्मचारी था, वो हमारे और हमारे पड़ोस से जो टेंट वाले हैं उनसे बर्तन भिगोने बीच में अंतराल में वो ले गया और उसने वहाँ पर धर्मशाला में कहीं पर उतरवाए सामान हमारी लेबर से। तो उसके बाद वो हमले उन लोगों से उससे कंसर्न करना चाहा तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। तो इसी संज्ञान को लेकर हम एसपी सिटी साहब महोदय के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस अभियुक्त को पकड़ने का काम करेंगे। और आप लोग देखिए, तकरीबन 1,25,00,000 का सामान हमारा था और तकरीबन 70-80,000 का हमारे पड़ोसियों का सामान था। तो हम आज एसपी सिटी महोदय के पास आए हैं कि भाई देखिए हमारा सामान बरामद हो जाए। जो हमारा सामान वो व्यक्ति लेके चला गया है, हमारे तो दुकान पर कोई सामान ही नहीं रह गया। आप कोई हमें सामान आके किराए पे देना हो या भेजना हो तो हम लोगों को तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कभी आपने सोचा था इस तरह? हरदोई में अग्नि के सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली महिला का दिल जब अपने पति के बहनोई पर आ गया तो रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसकी भनक जब उसके पति को लगी तो उसने प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं मानी। पति को अपने अवैध संबंधों में बाधक बनता देख अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी है, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। ये थाना सुरसा में 9 मार्च को एक पप्पू नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में उसके पिता द्वारा अपनी बहू और अपने दामाद के दिनांक 8 मार्च की प्रातः को नामित करते हुए में गांव पंजीकृत कराया गया था। इन दोनों लोगों को आज अरेस्ट किया गया है, जहां ज्ञात हुआ है कि इन दोनों का आपस में प्रेम संबंध था। ये मृतक की पत्नी और उसके नंदोई का, और इसी के तहत अपने प्रेम संबंध के चलते हुए रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। कासगंज में आवारा कुत्ते ने 3 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन बच्ची को इलाज के लिए सीएससी पटियाली पड़ेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सालय रेफर कर दिया। घर के बाहर दरवाजे पर बच्ची खेल रही थी, इसी दौरान आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। सीतापुर में बेसवा के पूर्व विधायक रामपाल यादव समेत 10,000 लोग सपा में शामिल हो सकते हैं। बेसवा के मौजूदा बीजेपी विधायक निर्मल वर्मा के बड़े भाई प्रमोद वर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी लोग सपा में शामिल होंगे। 12 मार्च को करीब 11:30 बजे अहमदाबाद के पोखरा कला में पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर सपा में शामिल होंगे। कल सारे समर्थक इतने हमारे हैं, सारे समर्थकों के साथ लगभग मुझे सुनने मिला है कि कम से कम आप 10,000 जनता के साथ आप जा रहे हैं बीजेपी में, सर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पूरे समर्थक जिले में हमारे हैं और सब पार्टी के हैं, पार्टी के साथ हम जा रहे हैं घर वापसी।
अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत महफूज नगर का एक पूरा मामला है, जहां महिला के ससुराल पक्ष के लोग महिला की 3 महीने की बेटी को बेचना चाह रहे थे, जिसका विरोध करने पर मायके पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो आप पर हुआ है? जो मेरे हस्बैंड थे और मेरे ससुराल वाले थे और दो लोग और थे, उनके डाटा लगा हुआ, उन्हें पहचान नहीं पाई मैं। लेकिन मुझे यह कि जो घटना हुई है वो मेरे लिए हुई थी, मेरे बच्ची को बेचने के लिए वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तो इस पर मैं वहाँ से घर से अपने यहाँ आ गई। कितना टाइम हुए आए हुए? मुझे रहते रहेंगे मैं 5 महीने से यहीं पर। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के लिए मैं बड़ी वाली बहन के यहाँ चली गई, तो उसने वहाँ पर भी यही बात कही थी कि ऐसी बच्ची को भेज दे। तो मैं वहाँ से गुस्सा होकर इधर आ गई। जब उन्होंने यहाँ पे आकर विवाद करा तो उन्होंने बाजी ने ये कहा था बच्ची को देखने की चीज़ नहीं होती है जो तुम देखने के लिए कह रहे हो। तो इस बात पे उन्होंने इन पर भी मार पिटाई करी और मम्मी से भी छोटा ली और मेरे। बाराबंकी के नगर पंचायत जैतपुर के नगर पंचायत परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होते हुए एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। होली मिलन समारोह जो ये हो रहा है, जिसके आयोजक हमारे परम मित्र डब्बू जायसवाल जी हैं, अन्य साथी भी हैं। मैं ये संदेश ये देना चाहते हैं लोगों को कि समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी गिले शिकवे मिटा के ये प्रोग्राम का आयोजन इसीलिए किया गया है, इसमें सब लोग एक दूसरे से। संभल की सड़कों पर मौत के कुएं वाली बाइक से स्टंट करना युवक को भारी पड़ रहा है। पुलिस ने न सिर्फ बाइक को कब्जे में लिया बल्कि उस पर चालान की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि संभल जिले के सर कोतवाली के चौधरी सराय चौकी की पुलिस ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस से तेज आवाज निकालने वाली बाइक पर स्टंट कर रहे युवक को रोका। पुलिस ये देखकर उस समय चौंक गई जब देखा कि जिस बाइक पर युवक स्टंट करता हुआ आ रहा था वो मौत के कुएं में चलने वाली बाइक है। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो युवक कुछ नहीं बोला, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया है और उसके बाद चालान की कार्रवाई की। हरा कोतवाली समय क्षेत्र में एक युवक द्वारा मोटरसाइकिल से साइलेंसर हटाकर स्टंट किया जा रहा था, इस संदर्भ में उसे पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस प्रकार में जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ भी सतर्क कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।